बिछाएंगे, मुलायम सिंह यादव बिछाएंगे और उनका चेले बिछाएंगे। अरे जाट जाट जो है जरूर लोक दल के लोग बिछाएंगे। हमारा संविधान हमें हुकूमत की इजाजत देता है, हम हुकूमत में हिस्सेदारी हासिल करेंगे। और आप जो अभी वादा कर अभी जो कह रहे थे, आप राशन के बारे में कह रहे थे, आजादी पार्टी में आज भी मुसलमान दिखाई दे रहे हैं। भाई साहब वो मुसलमान ना है, वो जुम्मन है, वो मुसलमान ना है, वो कौम के रहबर होते तो हमारे साथ होते, कौम के साथ होते। किसने काम किया? ये तो वोट है ना, हमें उसको जो है वोट में तब्दील करने का शौक है। और अब हमारा शौक ओवैसी साहब यहाँ पर आए, ये हमें बहुत अच्छा लगा कि हमारे लिए कोई मुसलमान आगे बढ़ा। और मैं उनका मान सम्मान करती हूँ बहुत अच्छी तरीके से, और वो आगे ऐसी शेर की तरह धड़ते रहे। और वोट तो कटेंगे, वो तो लाजमी बात है, वोट तो कटना है इसमें। मानते हैं आप वोट काटेंगे? वोट तो कटेगा, मतलब ऐसी साहब वोट काटेंगे ना, ऐसी शाम को वोट काटेंगे कि तो मुसलमानी हुकूमत है कि तो मुसलमानी। अब मुसलमान अपनी हुकूमत बना रहा है क्यों? जब हमारा वजूद ही नहीं दिखाई दे रहा तो हम तो बनाएंगे बनाएंगे भाई। वजूद कैसे नहीं है? एपीजे अब्दुल कलाम आगे बढ़े, काफी लोग आगे बढ़े। जब बीजेपी आगे बढ़ती है वो अपना कोई ना कोई खूटा दिखाती है, समाजवादी आगे बढ़ती है तो वो कोई ना कोई वजूद दिखाती है, तो ऐसे ही हमारा वजूद है ना। तो वजूद तो ऐसे भी है, समाजवादी तो मुसलमानों के लिए काम करती है। समाजवादी तो कोई काम ना, कहाँ काम हो रहा है? कोई काम नहीं करती, कोई पार्टी मुसलमानों के लिए काम नहीं करती। समाजवादी तो बोलती है, समाजवादी कोई काम नहीं करती है, समाजवादी बोलती है। किसानों का धंधा लगाया, किसने काम किया? ये तो बोर्ड बना रहे हैं ना। कब्रिस्तान की बाउंड्री बनवाई, और क्या चाहिए आपको? समाजवादी ने बनवाया, हज कमिटी बनाई, कोई नहीं बन रही, गलत। हज कमिटी कमेटी नहीं बनाई, कहीं कोई नहीं। उनके ऊपर तो इल्जाम लग रहा है हज कमेटी बनाने की, गाजियाबाद की अगर बात करें तो। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सब बनवाया था ना। ये तो सब ड्रामे करे जा रहे हैं कि आगे के लिए कि हम वो करेंगे, हम वो करेंगे। अच्छा, कहते हैं लोग मुसलमान को भड़का देता है, वैसे भड़का है क्या? नहीं, उन्होंने नहीं भड़काया, कोई नहीं भड़काया ना, कोई भड़काव भाषण भड़काने नहीं बल्कि करने के लिए आए। ये कोई भड़काव भाषण नहीं है, ये तो हिंदू मुसलमान का एकता बनाने की है ना। उन्होंने ये कही कि क्या नाम है कि मुझे वोट दो, हिंदुओं को वोट मत दो। लेकिन बीजेपी को तो बोला ना उन्होंने, बीजेपी को क्या बोला? कोई खिलाफ नहीं बोला उन्होंने? बोला तो वो हमारे खिलाफ है बीजेपी। अरे उन्होंने क्या बोला ये बताओ तुम, बीजेपी को लेके लगातार वो सवाल उठाते रहे बीजेपी पे। बीजेपी भी तो सवाल करती है, भाजपा क्यों वैसे ये करता है? बीजेपी का मतलब ही हिंदुत्व, तो हिंदुओं पे भी ये सवाल उठा रहे हैं इनडायरेक्टली। भाजपा कहती है कि हमने बिना देखे सबको घर बांटा, सबको राशन बांटा, वो कैसे देखते? हाँ भाजपा दे रही है, जो वोट बना रहे जा रहे हैं, वोट बनाए जा रहे हैं। तो योगी जी तो कह रहे हैं कि राशन दिए, 5-5 किलो राशन दिया, मकान दिया, आवास दिया, राशन दिया, गैस सिलेंडर दिए, पैसे तो बढ़ रहे हैं। कितना पैसा बढ़ चुका है इसमें? रोजगार नहीं है, कौन रोजगार है? सारे बैठे पड़े, कोई रोजगार नहीं है। क्या रोजगार है बताओ? राशन जो बांट रहे थे मोदी जी, मिला 5 किलो राशन? नहीं, वही अगर कह दे बता दो, कुछ ना मिला। योगी जी ने उनके घर में दिया होगा, जिनके घर में बनने होगा वोट बैलेंस, उनके घर में दिया होगा। शुक्रिया, बात करें क्या करें से मिला है, हर जगह पहुँच जाते हैं आप, पैसा मिला है? बिरयानी मिली है, बिरयानी भाई। आज आज जो है अब MIM का जो है इतना भाव हो चुका है कि असदुद्दीन ओवैसी के नाम पर लोग अपना पैसा खर्च करके, अपना वक्त खर्च करके लोग जो है वो दौड़ते हैं। और जहां असदुद्दीन ओवैसी साहब पहुंचते हैं वो मजमा जो है बड़े मजमे में हजारों की तादाद में जमा हो जाता है। आज असदुद्दीन ओवैसी अगर जो है बिरयानी हम खाते हैं तो अपने पैसे से, अब हमें बिरयानी खाने का शौक जरूर है, लेकिन हमें जैसी बिरयानी खाने का शौक है ऐसे ही हमें असदुद्दीन ओवैसी के जो है जलसों में पहुंचने का शौक है, और ऐसे ही हमें उसको जो है वोट में तब्दील करने का शौक है। और अब हमारा शौक है, अब हमारा शौक है, अब हमारा शौक है, बात तो करने, अब हमारा शौक है कि हम समाजवादी और बहुजन समाज और कांग्रेस जो हमारे वोट पर हुकूमत बना रही थी,
अब जो है मुसलमान को हुकूमत में जाने का शौक है, असदुद्दीन ओवैसी को MIM को हुकूमत में पहुंचाने का शौक है, और हमें हुकूमत में हिस्सेदारी चाहिए। आज वो लोग जो मेरे दोस्तों उन लोगों के खेमे उखड़ जाएंगे जो मुसलमानों के वोट पर अपनी हुकूमत कर रहे हैं। अब न 7% यादव रहेगा, न 11% जाटव रहेगा, और न जो है 3% जो है 11% ब्राह्मण रहेगा। अब जो है 22% जो है असदुद्दीन ओवैसी MIM पार्टी का जो है अब जो है भागीदारी होगी। 22% कहाँ है आप लोग, जो भी मतलब 22% में आधे समाजवादी आधे BJP में भी जा रहे हैं। मेरे भाई जब तक हमारा काई वो हमारा पास आएंगे, हमारा एक ही कर्तव्य सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी को थे। जब तक हमारा कायद नहीं था हम बहुजन को वोट देते थे। अब जो है मुसलमान को अपनी कयादत मिल चुकी है, अपना कायद मिल चुका है। समाजवादी पार्टी में आज भी मुसलमान दिखाई दे रहे हैं। भाई साहब वो मुसलमान ना है, वो जुम्मन है। वो मुसलमान ना है, वो कौम के रहबर होते तो हमारे साथ होते, कौम के साथ होते। वो बिरयानी के चाट उगाड़ता भाई साहब, बिरयानी पसंद नहीं है हमें, हमें असदुद्दीन ओवैसी हमें समाज पसंद है। पहले भाई साहब है तो बिरयानी का भी आज तक अखिलेश को वोट दी नहीं, और ना अखिलेश को कभी जिंदगी में देंगे। अब ये नोटा वाला बटन आ रहा है, अगर हमारे यहाँ से सीट पर खड़े होंगे ना नोटा दबाएंगे। क्लियर? हाँ जी सर, हम असदुद्दीन ओवैसी के साथ हैं। क्लियर? हम जुम्मन मियां नहीं हैं और उनकी जुम्मन दरी वाले नहीं है। भाई हम मुसलमान है, समाज के साथ रहने वाले, देश के साथ रहने वाले। कैसे ना भाई, समाजवादी में मुसलमान ही ना, वो जुम्मन है भाई साहब। जुम्मन कह तो रहे समाजवादी में आ जाएंगे, समाजवादी वाले समाजवादी वाले हमारे पास आगे। सामने कहा कि मुसलमानों सुनो, कितना सुन पाएंगे मुसलमान। देखिए भाई सुनिए एक मिनट, मैं अभी धीरे से आपका सभी का जवाब देता हूँ। सबसे पहले कि मुसलमानों को BT ओवैसी को BT बोला जाता है। सबसे पहले मैं जवाब देना चाहता हूँ मैं आपको, नहीं अपने मुस्लिम भाइयों को, कि पहले BT का मतलब समझिए होता क्या है। क्या है BT का मतलब, यानी मिला हुआ भाई साहब। आप, मैं मुसलमान भाइयों से कहना चाह रहा हूँ जो भी देख रहे हैं आपके माध्यम से, कि साबित कर दोगे कि मिला हुआ है, मगर मैं साबित कर दूंगा तुम्हारा अखिलेश मिला हुआ है, राहुल मिला हुआ है। और जो दूसरी बात आदमी कहते हैं कि इस पे केस क्यों नहीं होते हैं, तो तुम्हारे भैया तुम्हारे वाड्रा पे कौन सा केस हो रहा है, जब तुम क्या कहते हैं BJP अल्लाह कहती थी कि इसने घोटाला करा है। तो आज BJP सत्ता में आ गई है तो भूल गई। अब आया तुम्हारा मुलायम सिंह ने शहीद कैसे होगा ये बताओ, कहते हैं गयूर मुसलमानों एक हो जाओ, कैसे होंगे एक हो जाएंगे, मेहनत करनी पड़ेगी, हो जाएंगे। हेलो जा रही है 11% जाटव, अगर 11% जाटव मायावती के साथ मुत्तहिद हो सकता है, 7% यादव मुलायम सिंह के साथ मुत्तहिद हो सकता है, तो मुसलमान 22% ओवैसी के साथ में क्यों मुत्तहिद नहीं हो सकता। हमारा संविधान हमें इजाजत देता है, हमारा संविधान हमें हुकूमत की इजाजत देता है, हम हुकूमत में हिस्सेदारी हासिल करेंगे। और आप जो अभी वादा कर अभी जो कह रहे थे आप राशन के बारे में कह रहे थे, तो मुलायम सिंह ने राशन दिया, मुलायम सिंह यादव बिछाएंगे और उनके चेले बिछाएंगे। दरी जात जो है लोक दल के लोग बिछाएंगे, दरी जो है मायावती के लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूले।